आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 14 मई 2023 का। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं डेली का उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए आपको यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है इसमें जो भी हम डिस्कस किए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हम लोग। पहला क्वेश्चन है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का जो पांचवा संस्करण है वह कहां आयोजन होगा। तो इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है केरल में स्थित है। यहां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का पांचवा संस्करण है इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है लावारिस जमा राशि को निपटाने के लिए 100 दिनों का अभियान किसने शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है आरबीआई। आरबीआई जो है हर डिस्ट्रिक्ट में यह निर्देश दिया है बैंकों को कि जितने भी लावारिस जमा राशि है इसको निपटाने के लिए एक अभियान को शुरू किया गया है और यह जो अभियान होगा वह 100 दिनों का यह अभियान होगा। तो सही उत्तर है आरबीआई। आरबीआई का जो फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसके वर्तमान में अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास, यह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेईती किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा या जातीय समूह है। तो इसका सही उत्तर है यह मणिपुर का सबसे बड़ा या जातीय समूह है और सबसे ज्यादा जनसंख्या मेईती जो जातीय समूह है इसका पाया जाता है मणिपुर में। और हाल ही में यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि यह जो कम्युनिटी है मेईती जो कम्युनिटी है यह एसटी स्टेटस यानी शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस या पाने के लिए यह भी आंदोलन कर रहा है मणिपुर में, इसलिए यह जो कम्युनिटी है मेईती वह काफी न्यूज में अभी है। अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है। तो सही उत्तर है नागालैंड जो राज्य है वहां की जो सरकार है वह अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन किस राज्य ने एक समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम स्थापित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र जो राज्य है वह हाल ही में एक समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम का स्थापना किया है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य जो है वह एक समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम का स्थापना किया है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। तो इसे हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना वह हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसमें शुरू किया गया है। अगला है नासा ने एआई का उपयोग करके सैटेलाइट डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मैप में बदलने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। तो इसका सही उत्तर है आईबीएम जो कंपनी है अमेरिका का, यह कंपनी है अमेरिका का इसके साथ नासा जो है वह नासा अंतरिक्ष एजेंसी है यह अमेरिका का, इसके साथ यह समझौता किया है कि जो सैटेलाइट डेटा होगा उसको उच्च रिजोल्यूशन मैप में यह कन्वर्ट कर देगा। अगला हम लोग देख लेते हैं कुछ आईबीएम के बारे में। तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, यह भारतीय मूल के हैं। आईबीएम का जो संस्थापक थे वह हरमन होलेरिस थे, थॉमस जे वाटसन और चार्ल्स रैनलेट फ्लिम, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में यूएसए। और आईबीएम की जो स्थापना हुई थी 16 जून 1911 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार मिला है 2023 का। तो सही उत्तर इसका है कोचिन जो बंदरगाह है केरल में स्थित है इसे सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जो मिला है 2023 का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कोचिन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने कार्तिक बाल गोपालन को भारत के लिए नया एमडी नियुक्त किया है। तो सही उत्तर है प्यूमा इंडिया जो है वह कार्तिक बाल गोपालन को भारत के लिए नया एमडी इन्हें नियुक्त किया गया है। तो प्यूमा जो कंपनी है वह कार्तिक बाल गोपालन को भारत के लिए नया एमडी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है लिंडा याकारिनो किस कंपनी की नई सीईओ बनी है अभी। तो सही उत्तर है वह ट्विटर जो कंपनी है जिसे एलन मस्क ने खरीदा है इसके नए सीईओ बनाए गए हैं लिंडा याकारिनो, यानी लिंडा याकारिनो जो होंगे वह
ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 13 मई को हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में यह मनाया जाता है और इसे 14 अक्टूबर को भी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी दोनों दिन 13 मई और 14 अक्टूबर दोनों दिन यह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। और वर्ष 2023 का जो विषय है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का, वह है प्रवासी पक्षियों के लिए, इसके महत्व पर केंद्रित होगा यह वर्ष 2023 का जो विषय है वह, और इसे आधिकारिक तौर पर 13 मई और 14 अक्टूबर को यह आयोजित किया जाता है। अगला है, AIFF ग्रासरूट डे मनाया कब जाता है? तो सही उत्तर इसका है 23 जून को हर साल AIFF ग्रासरूट डे जो है इसे मनाया जाएगा, और यह जो दिन है AIFF ग्रासरूट डे, वह भारतीय फुटबॉल लीजेंड है जिनका नाम है पीके बनर्जी, कि पीके बनर्जी इनके बर्थ एनिवर्सरी को अब से AIFF ग्रासरूट डे के रूप में यह मनाया जाएगा। AIFF का जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और इसके अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, इनका नाम है कल्याण चौबे जो है वह इसके प्रेसिडेंट है AIFF के। तो भारतीय फुटबॉल लीजेंड है पीके बनर्जी, इनके जन्मदिन को अब AIFF ग्रासरूट डे के रूप में मनाया जाएगा और यह 23 जून को मनाया जाएगा हर साल। अगला क्वेश्चन है, IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है यजुवेंद्र चहल जो है वह IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यजुवेंद्र चहल जो है किस IPL टीम के साथ यह खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 13 गेंदों में सबसे तेज IPL 50 रन बनाए हैं, यानी सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं IPL में? तो इसका सही उत्तर है SSV जायसवाल जो है वह सबसे कम, यानी 13 गेंदों में सबसे तेज IPL 50 रन बनाए हैं, यानी सबसे कम गेंदों में अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं IPL में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 14 मई 2023 का। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिएगा।